में भीषण सड़क हादसे में 16 यात्रियों की मौत, 53 यात्री हुए घायल, गड्ढे से बचने के चक्कर में टकराई बसें। जलगांव और अमरावती में कपास किसानों का विरोध प्रदर्शन, मुंबई नागपुर हाईवे को एक घंटे तक रखा ठप, जिलाधिकारी कार्यालय में भी धरना। किरण बेदी पर लगे आरोपों को अरविंद केजरीवाल ने बताया झूठा, लगाया आरोप, जज ने दबाव में लिया फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं प्रत्युष भास्कर। कोंकण के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के इलाकों में मौजूद आयरन ओर ही इस इलाके के लिए खतरा बन चुका है। EIA यानी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाने वाली एजेंसियों ने जो रिपोर्ट बनाई है उससे सिर्फ माइनिंग कंपनियों का ही फायदा होता नजर आ रहा है। TV9 लगातार कोंकण में माइनिंग के नाम पर हो रही कारगुजारियों का खुलासा कर रहा है। इसी खुलासे के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने 31 अगस्त 2011 तक मॉरेटोरियम पर लगी रोक को 31 दिसंबर 2011 तक बढ़ा दिया, लेकिन इस मसले पर सूबे के मुखिया की पर्यावरण मंत्रालय से हुई बातचीत को लेकर पर्यावरण एक्टिविस्ट खासे नाराज हैं। कोंकण की बायोडायवर्सिटी खतरे में है। सिंधुदुर्ग के गांव में माइनिंग लीजेज सैंक्शन हो चुकी हैं, लेकिन अगर इस इलाके में माइनिंग हुई तो यहां जंगल और इसमें रहने वाले जानवरों पर काफी बुरा असर पड़ेगा। हैरत तो इस बात की है कि इस इलाके में राष्ट्रीय पक्षी मोर, तेंदुआ जैसे कई संवेदनशील प्राणियों की मौजूदगी को TV9 ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, जिसकी पुष्टि स्थानीय निवासी भी करते हैं। मोर दिसता, डुकर असतात, कोले असतात, दिसता जनावर असतात। मोर रेगुलर दिखाई देता है, अभी तीन मोर इधर दिखाई देता है, तीन मोर अभी तीन इधर आता है, हर रोज शाम सुबह आता है, वाघ आता है, डुकर आता है, सुअर आता है, ससा पिसे भेकरा ऐसा जानवर इधर आता है। इस इलाके में माइनिंग करने वाली कंपनियों को EIA रिपोर्ट बनाने वाली एजेंसियां अपनी रिपोर्ट के जरिए मदद कर रही हैं। EIA रिपोर्ट में होने वाले फर्जीवाड़े के बारे में स्थानीय लोग और सोशल एक्टिविस्ट कई बार आरोप लगा चुके हैं। खास बात ये भी है कि इस इलाके में कई ऐसे जानवर भी हैं जिनका जिक्र EIA रिपोर्ट में नहीं किया गया है। वजह साफ है कि यदि तेंदुआ, टाइगर और मोर जैसे जानवरों की मौजूदगी EIA रिपोर्ट में दिखाई जाती है तो इस इलाके में माइनिंग माफियाओं को माइनिंग लीज भी सैंक्शन नहीं हो पाती। पत्रकार वहाँ पे जाते उनको वहाँ पे शेकरू नजर आता है, जो महाराष्ट्र का राजकीय जानवर है, मोर नजर आता है, लेपर्ड आ जाता है, बट जब एनवायरमेंट इंपैक्ट रिपोर्ट बना ये सभी जानवर वहाँ पे मिसिंग दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि माइनिंग मालिकों ने किसी और जगह का जो मॉडल है, जो इंपैक्ट रिपोर्ट है, उसी को यहाँ पे लाके दिया हुआ है और इसी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट उन्होंने फॉलो किया है, तो ये गलत है और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। माइनिंग के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार देने के दावों की पोल भी खुल चुकी है। हैरत की बात तो ये है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अब तक माधव गाडगिल कमेटी के रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। इसे लेकर पर्यावरण प्रेमी और एनवायरमेंटलिस्ट खासे नाराज हैं। CM साहब ने जो किया है मॉरेटोरियम को रद्द करने का या कैंसिल करने का जो रिक्वेस्ट भेजा है, ये बहुत ही गलत है, इम्प्रॉपर है, स्पेशली इस संदर्भ में कि MOEF ने जब कहा है कि 31 दिसंबर तक मॉरेटोरियम रखा जाएगा, वो इसलिए था कि WGEP का रिपोर्ट आ जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, लोगों को अपना बात कहने का अधिकार मिल सकता था या कंजर्वेशन करने के हिसाब से उसको देखा जाता था। लेकिन ये रिपोर्ट को दबा करके जब CM लेटर लिखता है माइनर्स के फेवर में, यानी माइनिंग के इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो लेटर लिखा है ये सरासर गलत है। ये ना तो सिर्फ पर्यावरण के लिए ख़राब है, इस उस जगह पर रहने वाले निवासियों के लिए भी ये बहुत ही एक बुरा संकेत है। कोंकण अपनी बेशुमार प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। गोवा और कर्नाटक में माइनिंग से काफी नुकसान हुआ है। अगर यहाँ भी इसी तरह माइनिंग होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब कोंकण की हालत भी उसी तरह हो जाएगी। अजित उजैनकर, TV9 कोंकण। कोंकण इलाके में 4 दर्जन से भी ज्यादा माइनिंग लीज सैंक्शन की गई है, जिसके चलते पूरे कोंकण पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। माइनिंग की वजह से सावंतवाड़ी के रेड़ी और कल्याण के पर्यावरण पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है, जहां कोंकण की बायोडायवर्सिटी, वन्य जीवन बचाए जाने के लिए स्थानीय लोग सहित वन शक्ति जैसे NGO सक्रिय हैं, लेकिन राज्य सरकार और पर्यावरण विभाग की खामोशी
इस पर कई सवाल खड़े कर रही है। कोंकण माइनिंग माफियाओं की चंगुल से छुड़ाने के लिए पर्यावरण एक्टिविस्ट सुमेरा अब्दुलाली ने पीआईएल भी फाइल किया है। सुमेरा ने पीआईएल के माध्यम से क्या जानकारी मांगी है, जानते खुद सुमेरा से। कोंकण को प्रकृति ने काफी नियामतें बख्शी हैं, जिनमें से शामिल है को आयन ओर, साथ ही वहां पर खनिज संपदा और वन संपदा भारी मात्रा में मौजूद है, लेकिन इसी पर लग चुकी है माइनिंग माफियाओं की नज़र, जिसकी वजह से वहां पर माइनिंग माफिया लगातार अपनी एंट्री दर्ज कराते जा रहे हैं। इस मामले में और जानकारी के लिए हम बात करते हैं एनवायरमेंटलिस्ट सुमेरा अब्दुलाली से। सुमेरा जी, आपने जो फाइल किया है पीआईएल, उसमें क्या कुछ लिखा गया है? पीआईएल में तो ये नॉट ओनली अगेंस्ट माइनिंग बट सब कुछ, कोई भी एक्टिविटी जो कि एनवायरमेंट को डेट्रीमेंट हो उधर नहीं अलाउ होनी चाहिए, और वो एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करनी चाहिए। इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर ना करने के पीछे क्या मंशा नज़र आती है आपको? उधर काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ चल रहे हैं जो कि नहीं चल होने चाहिए। वो एरिया वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, उसमें टाइगर्स दिख चुके हैं, और वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के कनेक्ट करते हैं, और वो एरिया में काफ़ी पेड़ कट रहे हैं। माइनिंग की लीज देने का एक लीज ऑपरेशनल है, दूसरे भी दे रहे हैं, और दूसरे भी कोई एक्टिविटीज़ चल रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए उधर। ये खास बात है कि मॉरेटोरियम की डेट जो है 31 अगस्त से बढ़ा के 31 दिसंबर 2011 कर दी गई है, लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री का MOEF को ये लेटर लिखा जाना कि मॉरेटोरियम को हटा दिया जाए, कहाँ तक जायज़ है? एक्चुअली मॉरेटोरियम ये इसलिए दी गई है कि माधव गाडगिल के रिपोर्ट के लिए ठहरे हैं कि वो रिपोर्ट क्या कहता है उसके बेसिस पे करें। अभी माधव गाडगिल का फाइनल रिपोर्ट आ चुका है टाइम में अगस्त एंड तक, कि हमको डिस्क्लोज भी नहीं किया है कि क्या है रिपोर्ट, उसके बीच में से ये लिखना कि उसको मॉरेटोरियम को छोड़ दो, ये समझ में नहीं आता है। माधव गाडगिल की रिपोर्ट काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के कुछ हिस्से अभी तक सामने आए हैं उसके हिसाब से तो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है कोंकण का जो बेल्ट है, जहाँ जहाँ उन्होंने सर्वे किया। क्या लगता है आपको, आखिर क्यों माधव गाडगिल की रिपोर्ट को पब्लिसाइज नहीं किया गया या MOEF की वेबसाइट पर नहीं डाला गया? ये तो क्यों नहीं किया है वो तो कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली उसमें कुछ होगा जो कि वो नहीं चाहते कि पब्लिक को मालूम हो। उनको पहले से मालूम है कि काफ़ी ऑपोजिशन है लोकल से भी, एनवायरमेंटलिस्ट से भी, तो वो रिपोर्ट हमको देखना ज़रूरी है, और वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं ये सोचने की बात है। एज एन एक्टिविस्ट आपकी क्या मांग है सरकार से? कि जो भी एरियाज है, एज एन एक्टिविस्ट एंड एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, कि जो भी एरियाज हैं जहाँ के एनवायरमेंट को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो पूरे दम से वो प्रोटेक्ट करे, और ऐसे नहीं कि खाली लिप सर्विस देके और उस वही जगह में कोई माइनिंग लीसेस देना इन सच ए बायोडाइवर्स एरिया, ये तो गलत बात है। मतलब साफ है कि सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी यानी कोंकण की ये खास इलाके जो जिनकी बायोडाइवर्सिटी खासी घनी और खासी रिच मानी जा सकती है, इस लिहाज से इन दोनों एरियाज को बचाए जाने की सख्त ज़रूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों के दोनों इलाके सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएंगे। कैमरा पर्सन दिनेश मालेकर के साथ अजीत उज्जैनकर, TVN News, मुंबई।